खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन सरगोधा तसव्वुर अब्बास बोसाल ने एक कामयाब ट्रिप रेड करके जिला काउंसिल सरगोधा के हेड क्लर्क मोहम्मद अकरम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेड क्लर्क ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने के लिए 45,000 रुपए पहले रिश्वत वसूल कर चुका था, जबकि आज मजीद 10,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहा था। के तसव्वुर अब्बास बोसाल असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा ने बरवक्त रेड करके मुलजिम को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और निशान ज़दा रकम रिश्वत बरामद कर ली। FIR नंबर 11/2022 थाना एंटी करप्शन रीजन सरगोधा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रेड जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान हारून साहब की मौजूदगी में किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा तसव्वुर अब्बास बोसाल ने मजीद बताया कि डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा रीजन मैडम आसमा एजाज चीमा साहिबा की हिदायत की रोशनी में करप्ट और रिश्वत खोर अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और ऐसी मजीद कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।